हम जा रहे हैं घाट में पिसन पीसने के लिए। रस्से उठाते हैं, पीठ में रस्सी के साथ बांधा होता है और जो दोनों हाथ हैं वो फ्री रहते हैं उस पे। देखिए घाट कैसे दौड़ रहा है स्पीड में। घर रखा है हमने जौ या मक्की जो की, और यहाँ पे होता है एक होल, तो इस होल में ये गिर रहा है, उनकी है और इसको पीस के जो है नीचे गिरा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंडियाली मिट्टी। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घाट जाने के साथ। अभी मैं जा रही हूँ मम्मा के साथ घाट, तो चलते हैं घाट और मैं दिखाती हूँ आपको कि घाट कैसा होता है। हम जा रहे हैं पिसन पीसने के लिए, जो है बोरी लेके आगे आगे चल रहे हैं और मैं जा रही हूँ पीछे से भागते हुए। सुबह सुबह ठंड भी बहुत है, तो अभी हम जा रहे हैं घाट में पिसन पीसने के लिए, मतलब गाय के लिए जो जो और मक्की रखी है उसको पीसना है हमने घाट में। तो चलते हैं। सुबह सुबह जो है बहुत ठंड है, लेकिन ऊपरी पहाड़ियों में फुलाधार की पहाड़ी में और जटिंगरी में जो है अभी हल्की हल्की धूप खिल गई है। अभी हम पहुंच गए हैं खड़के किनारे बसे इस दड़ौन गांव के पास। यहाँ नीचे जैसे जो है घराट है और यहाँ पे जो है लोगों ने क्यारियां भी लगा रखी है। यहाँ पे लहसुन लगाया हुआ है और यहाँ पे मटर की खेती भी की हुई है। तो अभी जो है सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ठंड है, तो बिल्कुल गीला हो रखा है। अभी यहाँ पे पाला पड़ा हुआ है क्योंकि खड्ड का किनारा है, तो इसीलिए उमस तो यहाँ पे बहुत होती है क्योंकि यहाँ पे जो है धूप भी बहुत कम लगती है। इतनी सारी मटर की खेती की हुई है यहाँ पे लोगों ने। हम पहुंच गए हैं घराट में, तो घराट जो है आधा टूट चुका है, बहुत खस्ता हालत में है अभी ये। तो अभी चलते हैं अंदर देखते हैं। तो मम्मी रखेंगे यहाँ पे बोरा, पकड़ो रुका और उड़ गया, पकड़ी इधर में छोड़ो, उठ जाओ। हम पहुंच गए हैं घराट के अंदर और यहाँ पे मम्मी थोड़ी थोड़ी साफ सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा झाड़ू भी रखा होता है खजरी का, इसको इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा कचरा हो रखा है, इससे पहले लोग आए होंगे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे हल्दी पीस रखी है, तो इसको थोड़ा थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसके अंदर ये मक्की और जौ भरने से पहले यहाँ पे लगाया जाता है ये छोटा सा झाड़ू, ताकि एकदम से डालने से ये नीचे ना निकले। तो ये कीप की तरह बनाया है यहाँ पे टीन का, तो इसके अंदर भरते हैं हम जो भी पीसने के लिए लाते हैं। कीप में हमने मक्की और जौ तो भर दिए हैं, अभी जो है ऊपर से पानी का कनेक्शन भी देना पड़ता है, तो ऊपर से जाके पानी छोड़ आते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से होता है। ये भगवान जी होता है यहाँ पे लकड़ी का एक बना के तख्ते के जैसा, तो इससे अभी बंद किया हुआ कनेक्शन नीचे घराट के लिए, तो अभी इसको हम खोलेंगे यहाँ से और फिर जाएगा नीचे घराट के लिए पानी। ये देखिए पानी कैसे भागते हुए जा रहा है। तो अब नीचे जाके घराट भी चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये पाइप लगी हुई है यहाँ पे। इस पाइप से जो है गुजरता हुआ पानी जाएगा नीचे और इसी पानी से जो है घराट चलता है। तो मम्मी भाग रहे हैं जल्दी से क्योंकि उस घराट को घुमाना भी पड़ता है। देखिए घराट कैसे दौड़ रहा है स्पीड में। तो इस
ऊपर वाली पीठ में भर रखा है हमने जौ या मक्की जो कि हमने पीसने के लिए लाया हुआ है। तो यहाँ से निकल के वो इस तरह से आ रहा है नीचे और यहाँ पे होता है एक होल, तो इस होल में ये गिर रहा है। और ये जो बड़ी वाली चक्की है ऊपर वाली जो कि यहाँ पे घूम भी रही है, तो ये घूमती है और इसको पीस के जो है नीचे गिरा रही है। तो इसको इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ पे एक गहरा जैसा गड्ढा बना के रखा है, तो इसमें ये इकट्ठा होता है। और ये साइड से जो है स्पूट लगा के रखी है ताकि ये जो आटा जो पीस के निकल रहा है बाहर ये इधर उधर ना गिरे, और फिर ये सारा इकट्ठा होके जा रहा है यहाँ पे। देखिए अब तक हमने इतना दाला जो है पीस लिया है। तो यहाँ पे बोरी भी लगा रखी है मम्मा ने साइड में स्पूट के लिए, क्योंकि ये जो आटा है कुड़की जो है साइड में भी गिर जाता है, तो इसीलिए ये ना गिरे यहाँ पे बोरी लगा के रखी है। और फिर हम इसको बोरे में भरते हैं। तो ग्राहक के अंदर जो है यहाँ पे चक्की घूमती हुई दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा सा होल है तो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ। तो ये घूम रही है पानी की वजह से, तो यहाँ देखिए नीचे जो है पानी कैसे निकल रहा है। अंदर घराट चल रहा है अपनी स्पीड में, हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाएंगे। तो वहाँ उस गड्ढे से आटा एक साइड में करने के लिए, नहीं तो भर जाता है, फिर इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ देखिए इस घराट की हालत जो है बहुत खस्ता हो रखी है, आधा छत जो है इसका टूट चुका है, एक इस पिलर के सहारे जो है इसको खड़ा किया है। तो हमारे यहाँ पे गाँव में पुराने जमाने का एक ही बचा हुआ है ये घराट। अरे हमें लग रही है ठंड, तो अभी यहाँ पे आग जला लेते हैं। तो मम्मी निकाल रहे हैं वहाँ से खजरी के कांटे, तो अभी जलाएंगे हम आग और आग सेकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे बैठ बैठ के जो है ठंड लग रही है। आग जल गई है, वहाँ चल रहा है घराट, यहाँ जली है आग और हम यहाँ बैठ बैठ के सेकेंगे आग। धूप भी खिल गई है और मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि घर पे जो है बहुत काम है अभी करने के लिए। पशुओं को भी अभी अंदर ही रखा था गौशाला में, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड थी, तो अभी उनको भी निकालना है बाहर, उनको चारा भी देना है। और घर में जो है अभी कोई नहीं है, क्योंकि हम तीन ही लोग घर में होते हैं आजकल, मम्मी पापा और मैं। तो मम्मी तो बैठे हैं यहाँ पे घराट में, और पापा को जाना है वहाँ गाँव में, क्योंकि गाँव में है आज फंक्शन। तो जब भी गांव में फंक्शन रहता है तो हर एक घर से जो है एक एक आदमी जाते हैं काम करने के लिए, मिलके हेल्प हो जाती है। तो पापा को जाना है वहां फंक्शन में, तो मैं रहूंगी घर पे, क्योंकि कई बार जो है बंदरों के आने का खतरा रहता है, तो मैं घर पे जो है घर की देखभाल करूंगी। और बहुत सारे काम भी है, क्योंकि एक संडे है तो संडे को जो है काम भी बहुत होते हैं, तो वो भी निपटाती हूँ मैं घर जाके। अभी जो है मम्मी पिसन पिस के आ गए हैं, तो इसको हम इस तरह से उठाते हैं, पीठ में रस्सी के साथ बांधा होता है और जो दोनों हाथ हैं वो फ्री रहते हैं, उस पे सामान उठा सकते हैं, या पहाड़ी रास्ते हैं गिर गुर जाए तो पकड़ हो जाती है थोड़ी सी। तो मम्मी अभी आ गए हैं गाय के लिए दाला पीस के। मैं जा रही हूँ बोरा लेके घर,
तब तक यहीं पे बैठ के आराम कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ से उतरते हैं, रास्ता थोड़ा मुश्किल है।